नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ 4 रुपये के पेन स्टॉक के बारे में। तो क्या ये बेस्ट पेन स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता है बिलो 5 रुपी? मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कुछ बातें क्यों कह रहा हूँ, जानने का प्रयास करते हैं छोटे से क्लिप के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। आप अपना कॉमेंट नीचे साझा कर सकते हो, ठीक है? क्यों कर रहा हूँ मैं बात, क्यों कर रहा हूँ, देखो दो रीजन निकल के आते हैं ये स्टॉक सजेस्ट करने के, रिकमेंड करने के, ठीक है? मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को शायद ना लगे अच्छा। स्टॉक में 100% की प्लेज है, प्लेज में समझते हो, स्टॉक में सभी के सभी स्टॉक गिरवी रखे हुए हैं, तब भी ये स्टॉक मैं हिम्मत रख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। क्यों, रीज़न क्या है, समझो बात। ये स्टॉक ने 4 करोड़ का प्रॉफिट दिया है अभी। क्या बोला, 4 करोड़ का प्रॉफिट दिया है करंट TTM में, FY22 में। और यही एक रीज़न मुझे नज़र आता है कंपनी को सजेस्ट करने का। और बोल देना चाहता हूँ, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे ना, तो जब से स्टॉक का IPO आया है, ये स्टॉक अपने ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। मतलब बहुत सारे पेनी स्टॉक आपने देखे होंगे जो 100 रुपये से गिरकर, 200 रुपये से गिरकर 1 रुपये ट्रेड कर रहे होते हैं, लगातार मतलब 99% अपनी रियल वैल्यू वर्थ खो देते हैं। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक है, इसने अपनी जो रियल वर्थ है जब से IPO आया है उसी प्राइस में ग्रीन क्लोजिंग दे रहा है, मतलब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। समझ आ गया ये रीजन। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, 4 करोड़ का प्रॉफिट जो दिया है ना इन्होंने, ये इस बार तो 4 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, लेकिन लास्ट 2 सालों में FY21 और FY20 में कंपनी ने 1-1 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। मतलब 1-1 और 4 लगातार 3 साल कंपनी के जो प्रॉफिट है वो औसम आए, समझने का प्रयास करना। और ये एक रूल है, कभी भी किसी स्टॉक को अगर आपको चूज करना हो एज अ फाइनेंशियल, तो कम से कम 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस में स्टॉक को सिलेक्ट किया करो। और FY22 अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको ही पता है, ठीक है? तो अभी कंपनी में प्रॉफिट आने के जो गुंजाइश है ना, प्रॉफिट अच्छे आ सकते उसके गुंजाइश नजर आ रहे हैं। तो ये प्राइस है अभी आपको दिख रहा है 4 रुपये, ये कल 8 रुपये भी हो सकता है आराम से, उसके बाद गिर जाए वो अलग है। लेकिन लेकिन अगर सोचो, अगर 4 करोड़ का प्रॉफिट आपका 6 करोड़ हो जाता है FY22 में, और जो अगला साल होगा FY23, उसमें कंपनी का प्रॉफिट कितना शानदार आएगा। अगर आज जाता है 4 करोड़ की जगह ये प्रॉफिट 10 करोड़ होता है, तो ये जो प्लेज होल्डिंग है ना, ये भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी प्रॉफिट के सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ नजरों में रखो उस 4 रुपये के स्टॉक को। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ सिंपल बातें बताई जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट आ रहे पकड़ लो, अच्छे नंबर आ रहे पकड़ लो। लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि भाई क्यों पकड़ो, कैसे पकड़ो, कुछ बेसिक लॉजिक के साथ पकड़ोगे तो पैसा बनेगा। देख सकते हो ये रहा स्टॉक का नाम, ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है। वेबसाइट भी काफी अच्छी मुझे लग रही है, ठीक है? NSE BSE दोनों में स्टॉक काम करता है। देखो 2002 के आसपास स्टॉक का भाई 2 रुपये था, हाई लगाया था 80 रुपये, ठीक है? अभी भी देखो स्टॉक का भाई 2 रुपये 80 पैसे तक आया था, और स्टॉक प्राइस अभी 4 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ग्रीन में क्लोजिंग कर रही है, ऑल टाइम देखो ग्रीन है, ठीक है आपके सामने। और 6 मंथ का देख लो, 162% का रिटर्न दिया है, और स्टॉक ब्रेकआउट देगा 4 रुपये 95 पैसे के ऊपर, तो 5 रुपये के ऊपर तो स्टॉक में तेजी आने वाली है। अगर आपको मौका मिलता है स्टॉक में एक्यूमुलेट करने का, आप करके चल सकते हो, स्टॉक में बाय सेल हो पा रहा है। मैं क्या स्टॉक में पैसे लगाऊंगा, पर्सनली मुझे लगता है लगाना चाहिए भाई, जिस चार्ट पैटर्न बन रहा है वो कह रहा है कि हाँ ऊपर जाएगा। लेकिन प्लेज होल्डिंग है, आपको मैं बता दूँ प्लेज होल्डिंग में दिखाऊंगा, पहले आप वो देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, पहले आप ये देख लो, पहले आप देखो कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा पॉइंट। और प्रमोटर होल्डिंग देखो, यहाँ प्लेज आपको दिख रहा है ना, 100% प्लेज है, ठीक है? समझ आ गया, नीचे लेके चलता हूँ। देखो सेल्स, देखो कंपनी की सेल्स हो रही है भाई, देखो 24 करोड़ की सेल्स है, ठीक है? वही प्रॉफिट देखो 49 लाख रुपए का है, लेकिन ईयरली का प्रॉफिट देखो, ईयरली बेसिस का सेल्स देखो 109 करोड़ है, हाईएस्ट सेल्स देखने को मिल रही है लास्ट कितने सालों में, आते तो 13-12 के बाद कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स दी है हाईएस्ट करंट ईयर में, ठीक है? प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट 4 करोड़ का प्रॉफिट दिया है जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, और 1 करोड़ का लास्ट ईयर, 1 करोड़ का उससे लास्ट ईयर। तो समझने का प्रयास करना ब्रो कि चार लगातार 3 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, और प्राइस भी लगातार ऊपर जा रहा है। बस दिक्कत का है प्लेज होल्डिंग है, उसके वजह से स्टॉक को कोई बाय नहीं करना चाहता। अरे भाई अगर लोग बाय नहीं करना चाहते तो आप तो बाय कर सकती हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप उन्हीं स्टॉक को बाय करोगे जिनके प्रॉफिट अच्छे हैं, और कल ये स्टॉक अगर अभी 4 रुपये ट्रेड कर रहा है, कल ये 16 रुपये का हो गया, तो आपको कल बहुत सारे वीडियोस देखेंगे ट्राइडेंट से बड़ा पेनी स्टॉक, ट्राइडेंट का बाप, ट्राइडेंट का ये। जब सस्ते में ट्रेड होता है तो कोई पकड़ता नहीं, जब महंगा हो जाता है तब सब पकड़ने आ जाते हैं। यही गलती होती है रिटेल की, यही गलती करता है रिटेल, वो अपनी खुद की रिसर्च नहीं करता। भाई भाई खुद की रिसर्च करो, मैं वीडियो जो बनाता हूँ रिसर्च करने के लिए बनाता हूँ। मैंने आज आपको नया लॉजिक बता दिया, कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं और 100% का प्लेज है, तब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आप किस लॉजिक से स्टॉक को पैसा लगा रहे हो, और किस लॉजिक में कितना पैसा डालना ये पता होना चाहिए,
अगर आपको लगता है कि 100% प्लेज है तो आप 1% कैपिटल, 2% का कैपिटल का जो रूल है उसको फॉलो करो। अगर डीपली फॉलो करोगे जो मनी मैनेजमेंट का स्किल है या रूल है भाई, तो पैसा बनेगा। नहीं करोगे तो भाई अंत में फिर आप यही बोलोगे यार मैंने गलत स्टॉक में गलत एंट्री कर ली। ठीक है, अब यही होता है 80% रिटेल के साथ। होता क्या है, वो पहले तो एंट्री कर लेता है स्टॉक को, 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी, लेकिन वो लालच के चक्कर में जब स्टॉक ऊपर जाता है ना तो उसको और बाय करने का प्रयास करता है, और वहीं वो करता है गलती। अगर एक बार स्टॉक हाथ से निकल गया जिस प्राइस में देखना था ना लेना था, मत पीछा करो भैया, मत पीछा करो। मार्केट में बहुत सारी, समझ जाओ, बहुत सारे स्टॉक से अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, अगला स्टॉक मिल जाएगा। आप उस लॉजिक को दूसरे स्टॉक में फिट करने का प्रयास करो ना, और अगर प्रॉपर तरीके से सेटअप बनता है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च उसमें अलाउ होती है, जो आपने लास्ट स्टॉक को देखा था अगर इस स्टॉक में हो रही है, तो अप्लाई करके पैसा लगाओ ना। ये सिंपल तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। वीडियो बड़ा करूंगा तो आप लोग भी बोलते हो बड़ा वीडियो बनाते रहता है विवेक भाई, छोटा वीडियो बनाया करो। देखो NSE PSE दोनों में काम काज होता है, 82% के आसपास का माल तो भैया NSE में लेके गए, ऑलमोस्ट 1,79,000, 1.89 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से 1.56 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, मतलब 83% के आसपास का माल घर लेके गए। ठीक है, और BSE में सेम हाल होगा, तकरीबन क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, 100% के आसपास होगा BSE में, तो मुझे लगता है हाँ 100% ही होगा यार। तो ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी अपना सुझाव बताना कि आपको कैसे लगता है स्टॉक। ठीक है, बाकी देखते हैं स्टॉक में क्या होता है। लेकिन स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया नहीं यार। हाँ चार्ट पैटर्न तो देख लो यार, चार्ट पैटर्न देख लो एक बार, मतलब भूल गया हो तो दोस्तों फॉर मी। ठीक है, मैं अपने बात करता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, मैं क्या करता, मुझे स्टॉक में ब्रेकआउट नजर आता है 4 रुपये 50 पैसे के ऊपर, तो मैं स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ बाय करता, जो भी प्राइस में मुझे मिल जाता 4 रुपये 50 पैसे या 5 रुपये के नीचे जिस प्राइस में मिल जाए मैं बाय करूंगा। लेकिन मैं 3 रुपये 16 पैसे का स्टॉप लगाऊंगा, एंड जो मेरे टारगेट रहेंगे एटलीस्ट मैं डबल का टारगेट का वेट करूंगा। डबल का मतलब समझ जाओ, जो मेरा प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल है 3 रुपये 16 पैसे का, और मेरा जब पैसा डबल हो जाएगा, डबल मतलब देखो ये मेरा लॉस है, ये मेरा रिस्क है, ठीक है, ये मेरा लॉस है। ठीक है, तो ये लॉस है तो प्रॉफिट मेरा डबल रहेगा, डबल समझो कितना होता है इसका। ठीक है, देख कैलकुलेट कर लेना, मिल जाएगा आपको, और मैं 1.5 रुपये ऐड कर लूँ 4 रुपये 54 पैसे में, वो 1:1 का टारगेट होगा, 1:2 होगा आपका, डबल कर दो तो 6.5 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, और जैसे डबल टारगेट आएगा मैं अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लूंगा, या 70% के आसपास का माल खींच लूंगा, बाकी 30% कैपिटल को मैं कैरी करूंगा बड़े टारगेट के लिए। क्या पता हो 6.5 रुपये कल 16 रुपये हो जाए, 6.5 रुपये 20 रुपये हो जाए, 30 रुपये हो जाए, तो आपको इस माइंडसेट के साथ भी चलना है। देखो स्टॉक का जो IPO था इसने पास में करके दिखाया है, 2 रुपये स्टॉक आपका कहाँ 70 रुपये गया। अगर मान लो अगर आपने 30% का माल रखा हुआ है, ठीक है, 4 रुपये के प्राइस में, 4 रुपये से अगर 40 रुपये हो गया, ठीक है, आपके पास मान लो 1,000 क्वांटिटी भी है उस समय 30% के आसपास, तो भाई आपका तो भैया अच्छा खासा पैसा बन गया, 40,000 रुपये बन गया ऐसे। आपने लगाया कितना था मात्र 4,000 रुपये, 400 500 रुपये लगाया था, ये समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, डबल पैसा हो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर लो 70-60% के आसपास, या जो भी आपने लगाया उसको विड्रॉ कर लो, बाकी छोटा मोटा माल रहने दो बड़े टारगेट के लिए। यही होता है रियल वर्थ, इसी से बनती है रियल वेल्थ। ठीक है, आपको सीखने को मिलता है। अगर आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में होगा स्टॉक, तभी तो आप उसको देखोगे, जब पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा ही तो क्या देखोगे आप, तो सीखने को कहाँ से मिलेगा फिर। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी आप उसको बोल सकते हो बोलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।